हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को। तो देखिए बेसिकली पिछले वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जाना था। ठीक है, तो उसमें हमने ये जाना था कि जो एग्रीकल्चर होता है या फिर जो फार्मिंग होता है उसके टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में जान लिया है, पूरा डिटेलिंग में जाना था। ठीक है, कि क्या है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, वो जो है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। तो इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के बारे में ही जानने वाले हैं, और साथ में हम लोग जो है क्या करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग का जो है एक बेसिकली कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के बारे में डिटेलिंग में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, तो कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनको क्यों ग्रो क्रॉप्स को मतलब ग्रो किया जाता है, और साथ में जो एनिमल्स को भी पाला जाता है। ठीक है, एनिमल्स को जो है पाला जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। ठीक है, किस पर्पज़ से, तो मार्केट में उन्हें बेचने के लिए। देखिए हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या जाना था कि उसमें जो है लोग फार्मिंग किस लिए करते हैं, क्रॉप्स किस लिए ग्रो करते हैं, अपने नीड्स के लिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग में वो फार्मिंग है जिसमें जो है क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जानवर को भी पाले जाते हैं, किस लिए, मार्केट में बेचने के लिए उन्हें। ठीक है, तो जब मार्केट में बेचने के लिए जब क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं या फिर जानवर को पाले जा रहे हैं, तो वो फार्मिंग कौन सा टाइप ऑफ फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या जाना था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने ये जाना था कि एक छोटा सा लैंड होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है अधिकतर वहाँ पे ये होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे हर कोई के पास जो है लैंड होते हैं। ठीक है, और वो लोग जो है ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटा सा लैंड होता है, अपने हाथ से काम कर लेते हैं, अपने परिवार लोग के साथ जो है काम कर लेते हैं, और सिंपल सा जो है टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मशीन, हाई फाई मशीन ये सब जो है कम यूज़ होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या किया जाता है, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, कैपिटल बहुत ज़्यादा इसमें जो यूज़ किया जाता है, पैसा ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, और अधिकतर सारे काम जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, मशीन्स के द्वारा। उसमें हमने जाना था सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कि वो लोग करते हैं। ठीक है, सिंपल सा जो है छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं उससे वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अधिकतर काम किससे किया जाता है, मशीन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए कमर्शियल फार्मिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, मिक्स फार्मिंग होता है, और प्लांटेशन होता है। तो आइए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में। तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी कि वो कमर्शियल फार्मिंग जिसमें ग्रेन्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो वो जो कमर्शियल फार्मिंग होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज से, ठीक है, खरीदने बेचने के पर्पज से जो है क्या किया जाता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि वीट, मैज, ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप है जो कि अधिकतर जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो है इन क्रॉप्स की जो है खेती होती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, वीट हो गया और मैच हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं ये अधिकतर उगाए जाते हैं इस टाइप ऑफ फार्मिंग में। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होता है, ठीक है, ये अधिकतर कहाँ पे होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड में जो होता है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि वो जो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा है, ठीक है, अर्थ, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, या फिर इधर जो है, ठीक है, ये जो जोन होता है ये क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है, और बीच का जो जोन होता है उसे हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड हो रहा है, ठीक है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका है तो वहाँ पर जो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, यूरोप हो गया और एशिया का भी कुछ पार्ट, तो यहाँ पर जो है ये कमर्शियल फार्मिंग जो है ये की जाती है।
ठीक है। तो अब ये जो एरियाज होते हैं जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किया जाता है या फिर कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है, वो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है जो ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे कि पंजाब वाला जो रीजन है, ठीक है, तो पंजाब वाले रीजन में आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एक ही कोई आदमी, उसके बड़े बड़े लैंड है, ठीक है, बड़े बड़े लैंड में ही किए जाते हैं क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग जो है बेचना है मार्केट में, तब जो है थोड़े बहुत तो कर नहीं सकते, इसलिए जो है ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, कोई एक ही आदमी उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है, और उसमें वो क्या कर रहे हैं क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो पंजाब में भी ऐसे ही होता है। और साथ में वहाँ पे जो है आपको लेबर्स देखने को कम मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है मशीन्स का ज़्यादा यूज होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है उसमें एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो ऐसा होता है एक ही क्रॉप को जो है ग्रो किया जाता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। तो ये हमने जान लिया पहला टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका सेकंड टाइप कमर्शियल फार्मिंग का, जो है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो अब हम मिक्स फार्मिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स फार्मिंग यानी कि वो फार्मिंग जिसमें जो है बहुत सारे क्रॉप्स की एक ही बार में खेती की जाती है, ठीक है, तो वो फार्मिंग जो है मिक्स फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि उसमें जो है फूड भी जो है फूड के जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी जो है ग्रो किया जाता है, और जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, फॉडर क्रॉप यानी कि जो जानवर का खाने वाला जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, जैसे कि चारे हो गए, ठीक है, या फिर और भी चीज़ हो गए, तो ये सब जो है क्या किया जाता है इसमें किया जाता है, ठीक है। और साथ में जो मिक्स फार्मिंग में जो है जानवरों को भी पाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर के खाने की खेती भी तो की जा रही है। तो मिक्स फार्मिंग में बेसिकली होता क्या है कि जो है एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक लैंड है, तो इसमें जो है वेजिटेबल को भी ग्रो कर देंगे, और जो जानवर के खाने वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसे भी ग्रो कर देंगे, और भी एक साथ दो तीन क्रॉप ग्रो कर देंगे, तो एक साथ मतलब बहुत सारे मिक्स कर देते हैं पूरे क्रॉप्स को, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो वो फार्मिंग जो है मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। उसे ये अधिकतर कहाँ पर होता है, जो यूरोप जो है, ठीक है, यूरोप में होता है, और यूरोप एक कंटिनेंट है, और फिर ईस्टर्न यूएस है, ठीक है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे भी किया जाता है, फिर अर्जेंटीना में भी किया जाता है, अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक है, फिर साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, ठीक है, जो साउथ ईस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, जो नीचे जो है साउदर्न पार्ट में और ईस्ट पार्ट में जो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे किया जाता है, फिर न्यूजीलैंड में किया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में भी मिक्स फार्मिंग किया जाता है। अब देखिए, मिक्स फार्मिंग से जो है कुछ फ़ायदे भी होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, तो देखिए जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जान रखा है कि आखिर मान लीजिए कि जो क्रॉप्स होते हैं या फिर जो ट्रीज प्लांट या फिर जो ग्रास होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रूट से जो है क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिससे होता क्या है कि सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है, और सबसे ऊपर वाला जो सॉइल होता है टॉपेस्ट लेयर वो फर्टाइल होता है, तो अगर वही इरोजन कर जाएगा तो फिर क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाएंगे। तो अब होता क्या, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ही खेत जो है की जा रही है खेती, ठीक है, तो उसका एक सीजन होता है, जैसे कि वीट की अगर हम बात करें तो बीट को जो है क्या किया गर्मी में जो है उसको उगाया, ठीक है, समर सीज़न में, और ठंड के सीज़न में उसे जो है हार्वेस्ट कर दिया गया। अब उस सीज़न में अगर हम लोग जो कुछ देर अगर उसे उस लैंड को खाली छोड़ दे रहे हैं तो होगा क्या कि हो सकता है कि वो जो टॉपेस्ट सॉइल है वो इरोजन कर जाए, ठीक है। तो अब मिक्स फार्मिंग जो होता है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, तो किसी एक क्रॉप को काट रहे हैं तो दूसरा क्रॉप तो है ही, तो इससे होता क्या है कि जो क्रॉप के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को जो मिट्टी का क्या करते हैं इरोजन नहीं होने देती है। तो मिक्स फार्मिंग से जो है ये भी फ़ायदा होता है। तो ये भी हमने जान लिया मिक्स फार्मिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लांटेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन में जो है कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है, यानी कि इसमें भी जो है क्या होते हैं कि मार्केट में जो है क्रॉप्स को जो है बेचे जाते हैं। तो जो प्लांटेशन है तो इसमें जो है सिंगल क्रॉप को एक ग्रो किया जाता है, ऐसे नहीं है कि मिक्स फार्मिंग जैसे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, कोई सिंगल ही क्रॉप ग्रो किया जाता है। जैसे कि अधिकतर इसमें जो है टी की जो है क्रॉप ग्रो होती है, या फिर कॉफ़ी भी जो है ग्रो किया जाता है, और भी बहुत सारे क्रॉप जो है ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि शुगर कैन, कैस्यू, रबर, बनाना, कॉटन, ठीक है। तो ये सब एक साथ ग्रो नहीं किए जाते, अलग अलग जो है ये ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ प्लांटेशन में जो है कुछ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो प्लांटेशन है तो इसमें जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और उसमें जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो
का, यानी कि बहुत अमाउंट ऑफ जो है क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा के बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशन में जो है क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, तो जो है बहुत ज़्यादा लेबर्स भी चाहिए जो कि काम कर सके, ठीक है। और साथ में जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी यूज होता है, ठीक है। पैसा क्या होता है कि इसमें मशीनरी वर्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल भी यूज़ में आता है, ठीक है, किसमें, प्लांटेशन में, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं। अब देखिए, अब जो प्लांटेशन है, ठीक है, तो प्लांटेशन क्या होता है कि जो प्लांटेशन अधिकतर होते हैं वो फैक्ट्री के पास में होते हैं। क्यों फैक्ट्री के पास में होते हैं? इससे क्या हो सके कि ट्रांसपोर्टेशन में जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से जो है क्या हो, एग्रीकल्चर हो और जो है प्लांटेशन में, ठीक है, और फिर जो है उसे फैक्ट्री तक आसानी से पहुँचा दिया जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको फैक्ट्री के पास में ही रखा जाता है। अब देखिए, अब जो प्लांटेशन है उसे अधिकतर कहाँ पर ग्रो किया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हम लोग का पूरा अर्थ है, ठीक है, ये पूरा अर्थ है हम लोग का, तो ट्रॉपिकल रीजन ये जो है बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो पूरा रीजन है ये जो है ट्रॉपिकल रीजन है, और ये ऊपर के रीजन जो है सब ट्रॉपिकल है। तो यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है प्लांटेशन जो है अधिकतर किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक तरह से इसे हम कह सकते हैं ये टॉरिड जोन में है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये टॉरिड जोन में है, ठीक है, और इधर सब ट्रॉपिकल में, इधर क्या है टेम्परेट जोन है, ठीक है, इधर दोनों साइड, और इधर जो है क्या है फ्रिजिड जोन है, ठीक है। तो इधर क्या है फ्रिजिड जोन है और इधर टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में हमने जाना था ना, ठीक है, वो किया जाता है जो कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होता है वो किया जाता है टेम्परेट जोन में, ठीक है, जो कि यहाँ पे होता है टेम्परेट जोन, ठीक है। और ट्रॉपिक जो है यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन जो है, ठीक है, इधर तो यहाँ पे जो है किस चीज़ की फार्मिंग की जाती है, मतलब यहाँ पे प्लांटेशन एक तरह से किया जाता है, ठीक है। जो अर्थ के जो बीच में जो होता है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो वहाँ पे जो है प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि मलेशिया हो गया, मलेशिया में जो है कॉफ़ी ग्रो किया जाता है। कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी भी प्लांटेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ठीक है सॉरी यहाँ पे जो है रबर जो है ग्रो किया जाता है मलेशिया में, ठीक है। तो रबर कहाँ पे ग्रो किया जाता है, मलेशिया में, ठीक है। और साथ में कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में ग्रो किया जाता है, फिर टी जो है इंडिया में और श्रीलंका में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है। अब ये जो कंट्री है जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राज़ील, ठीक है, तो ये सब कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो ये जो है पूरा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ कंट्री जैसे कि इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, श्रीलंका उसके नीचे ही है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हमने जान लिया प्लांटेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेसिकली इसमें लोकेशन आपको याद रखना है कि लोकेशन जो है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि जो है अगर हम बात करें कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, तो उसको जो है टेम्परेट जोन में किया जाता है, और भी लोकेशन जो है मैंने आपको बताया तो उसे आपको याद रखना है, और उस फार्मिंग में कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये हमने जान लिया प्लांटेशन के बारे में। तो देखिए, कमर्शियल फार्मिंग हमने इसमें जान लिया, कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स भी जान लिया, जो है कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, ठीक है, प्लांटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो ये सब जो है हमने जान लिया। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।